और एक्चुअल स्टार्ट करते हैं। आई एफ आर एस पढ़ रहे थे, बेसिक एरिया हमने कवर कर लिया था। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं सर एक नए एरिया की तरफ। हम जब पांच स्टेप की बात करते हैं, फाइव स्टेप ऑफ रिकॉग्निशन, तो वहाँ हमने एक बात और बड़ी डिटेल में कवर कर ली, कॉन्ट्रैक्ट वाली बात। अब सर हम बात करेंगे अपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के ऊपर। सर मेरी स्क्रीन सबको आनी चाहिए, पावर पॉइंट पर। ठीक है, पीपीटी की स्लाइड्स वाली स्क्रीन सबको आनी चाहिए। ठीक है, तो सर हमने हमने अभी अभी रिसेंटली बात मुकम्मल की थी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। मैं एक मिनट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वाली बात को रिकॉल करवा रहा हूँ, फिर मैं आगे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के ऊपर मूव कर जाऊँगा। सही, तो सर अगर मैं बात करूँ कॉन्ट्रैक्ट वाली बात, तो यहाँ हमने बात की थी कि देखो हमारे पास ना कॉन्ट्रैक्ट करने के ना तीन तरीके हो सकते हैं। सही, ठीक है, तो सर यहाँ पर हमने बात की थी कि देखो तीन तरीके से ना मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, रिटर्न भी होगा, ओरल भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। सही, कंटेंट्स क्या क्या होंगे, यानी सर वो क्या पांच कंडीशंस थी। तो यहाँ हम पांच कंडीशंस डिस्कस कर रहे थे। पहली बात हमने की थी कि भाई कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो दोनों पार्टी अप्रूव करें। दूसरी बात, राइट्स टू गुड एंड कंसिडरेशन इज मैंशन, सर पता हो कि किसको कंसिडरेशन कितनी मिलनी है। नंबर थ्री, पेमेंट टर्म्स मस्ट बी मैंशन, सर पेमेंट टर्म्स मैंशन होगी, कितनी कितना पैसा कब जाएगा, ये दोनों बातें हमें पता होनी चाहिए। चौथी बात, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव कमर्शियल सब्सटेंस, सर कमर्शियल सब्सटेंस के ऊपर काफ़ी डिटेल मैंने बात की थी अभी लास्ट मीटिंग के अंदर। सर मैंने कवर किया था कि कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब मेरी तीन बातें ना, तीन बातें क्या थी सर। पहली बात थी कि मेरा जो है सर रिस्क चेंज हो रहा हो, या मेरा अमाउंट चेंज हो रहा हो, या मेरा टाइम चेंज हो रहा हो। ठीक है, यानी सर अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसकी वजह से इन तीन चीज़ों में कोई भी एक चीज़ अमेंड हो रही है, तो मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट बुक करूंगा। मैंने जो सर आपको एग्जांपल दी थी मशीन एक्स और मशीन वाई वाली, वहां पर क्या था सर, वहां पर सिंपली ना मेरे जो मुझे मशीन एक्स कमा कर दे रही थी जितने पैसे जब जब कमा के दे रही थी, बिल्कुल वैसे ही ना मशीन वाई मुझे उतने ही पैसे उसी टाइम पर कमा कर दे रही थी। ठीक है, तो मैंने एक बात मान ली थी उस टाइम कि भाई यहाँ पर कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। सही, और एक बात याद रखना सर, जब कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो रेवेन्यू तो भाई बहुत दूर चलेगा। सही, रेवेन्यू तो फिर कहीं वहाँ पर आएगा ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं तो सर रेवेन्यू कैसा। ठीक है, तो याद रखना सर, ऐसी कोई मशीन तुम अगर परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, ऐसी कोई मशीन सेल कर रहे हो और उसके बिहाफ में नई चीज़ ले रहे हो जिसमें कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, सर वो तुम्हारे पास एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं होगी, सर वो रेवेन्यू बुक ही नहीं होगा। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं और एक और मुश्किल वर्ड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, इसको कवर करते हैं। सर ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होती है, जरा इसको देखो। देखो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की मैंने ना बेसिक एग्जांपल के जरिए कुछ बातें समझाई थी, तुम लोगों को याद होगा सर मैंने एसी वाली एग्जांपल दी और गाड़ी वाली एग्जांपल दी। इसके जरिए सर हमने सीखा था कि मेरे पास एसी बेचना पहली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, और उसके बाद तीन साल तक सर्विस प्रोवाइड करना दूसरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सही, तो अब जरा डिटेल में वर्ड कवर करते हैं कि ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है क्या। तो सर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मतलब देखो, पहली बात सर ये एक प्रॉमिस है। किस बात का प्रॉमिस है सर, ये एक प्रॉमिस है टू प्रोवाइड इन दोनों में से कोई भी एक चीज। सर दोनों चीजें क्या है जरा देख लो, मैंने बोला ये एक प्रॉमिस है जिसके जरिए, देखो इट इज एक्चुअली अ प्रॉमिस टू प्रोवाइड, सर टू प्रोवाइड व्हाट जरा देख लो। पहली बात, अ डिस्टिंक्ट गुड, कोई एक डिस्टिंक्ट गुड। सर दूसरे बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, अ सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स सप्लाइड इन सिमिलर मैनर। सर ये क्या है और पहला वाला वर्ड क्या था। देखो ये जो डिस्टिंक्ट गुड है ना, इसे समझने के लिए ना मैं बड़ी एक मैं एग्जांपल डिस्कस करता हूँ सर, उस एग्जांपल की मदद से आप लोगों को ना ये जो डिस्टिंक्ट गुड वाला कॉन्सेप्ट है ये एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सर जरा बात करते हैं कि ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक्चुअली है क्या। सर देखो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो बड़ी मासूम सी चीज़ है, वो सिर्फ ये कहती है कि आप प्रॉमिस कर रहे हो प्रोवाइड करने के लिए एक डिस्टिंक्ट गुड्स या एक सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स। बट मसला आता है कि सर डिस्टिंक्ट गुड्स है क्या। अब मैं एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद ना मैं डिस्टिंक्ट गुड्स के वर्ड को पूरा आपके सामने एक खोल के रख दूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं सिर्फ एक एग्जांपल के जरिए एक ऊपर से डिस्कस कर रहा हूँ। तो जरा देखो, मैंने बोला यार कि जो मैं एसी बेच रहा था ना सर, जो मैं एसी बेच रहा था,
एसी मेरे लिए एक अलग से डिस्टिंक्ट गुड है, सही, एसी मेरे लिए अलग से एक डिस्टिंक्ट गुड है। अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन है कि इसमें मटेरियल गुड्स होना लाजमी है, यानी सर लाजमी है कि इसमें मटेरियल ही हो? नहीं सर, इसमें लाजमी नहीं है कि मटेरियल हो। वजह क्या है सर? वजह देखो ये है कि हम जो बात कर रहे थे कि मैंने एसी बेचा साथ में सर्विस प्रोवाइड की, सर सर्विस के टाइम पे मैं क्या मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ, तो वो भी मेरी रेवेन्यू रिकॉग्निशन के अंदर आएगा, वो भी मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो आई होप मेरी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो सर यहाँ पर डिस्टिंक्ट गुड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि डिस्टिंक्ट गुड के अंदर मतलब मैंने कोई एक चीज़ पर्टिकुलर कोई मटीरियल फॉर्म में कोई चीज़ दी है, नहीं सर ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास सर्विस भी एक अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो सकती है, सही। अच्छा सर, ज़रा गौर करना, ज़रा गौर करना, डिस्टिंक्ट गुड को ना मैं समझाने के लिए जा रहा हूँ, सही। तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ सर। मैंने बोला कि ना मैंने एक ना सीमेंट खरीदा, सही, मैंने ईंटें खरीदी, सही सर, मैंने सीमेंट खरीदा, ईंटें खरीदी और सरिए वगैरह खरीदे, सर ये सब आप करें, इस सब का आप क्या करेंगे? सर ये सीमेंट, सरिए और ईंट लेकर मैंने बोला कि मैं बिल्डिंग तैयार करूंगा, खुद 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 बिल्डिंग तैयार करूंगा, सही। तो सर आप कहेंगे सर आपको क्या हो गया, खैरियत, आप पहले पढ़ा लें, बिल्डिंग आप फिर कभी बना लीजिएगा। तो मैंने कहा नहीं सर, मुझे बिल्डिंग खुद तैयार करनी है। ठीक है, मैंने कहा मुझे बिल्डिंग खुद तैयार करनी है। मैं चले गया अपने सप्लायर के पास, मैंने बोला मुझे एक सीमेंट दो, मुझे एक जो है वो क्या कहते हैं, मुझे ब्लॉक्स दे दो, मुझे जो है वो सरिए दे दो, और मुझे जो जो इसमें ज़रूरी काम है ना, फॉर एग्जाम्पल इसका पेंट हो गया बिल्डिंग का, या और जो जो इसके अंदर ज़रूरियात हैं, सर मैंने बोला मुझे ये सब दे दो। ठीक है, सही, ठीक है सर, मैंने बोला मुझे ये सब दे दो, मुझे अभी के अभी चाहिए। ठीक है, अब सर मेरा सप्लायर था थोड़ा सा समझदार, उसने बोला कि यार ये जो बंदा है दिखने में तो नहीं लगता कि इसका काम ये बिल्डिंग वगैरह बनाना है, ये दिखने में सर सर पढ़ा लिखा बंदा लगता है, शायद पढ़ाता होगा भाई। तो खैर फिर हुआ क्या, देखो मैं जो वो बिल्डिंग मैं जो वो सामान ले रहा हूँ अपने सप्लायर से, अब सप्लायर मुझे बोलेगा सर आप ये जो ले रहे हैं करेंगे क्या, आप इसका क्या करेंगे, आप इसका क्या करेंगे? तो मैंने बोला मैं घर पे जाके ना एक बिल्डिंग तैयार करूँगा, सही। तो मेरा सप्लायर बोलता भाई रुको रुको, आप एक काम करो, ये सामान मुझसे अलग अलग नहीं खरीदो, ये सामान मुझसे अलग अलग नहीं खरीदो, बल्कि आप ना मुझे डायरेक्ट पैसे दे दो, मुझे डायरेक्ट पैसे दे दो, सही। मैं ये सारा सामान ना, ये सारा सामान आपके, आप जहाँ बोल रहे मुझे यहाँ बिल्डिंग तैयार करनी है, मैं वहाँ जाके ना सारा सामान पहुँचा भी दूंगा, और इवन मैं बिल्डिंग भी आपको तैयार करके दे दूंगा, लेकिन आपको मुझे इतने पैसे देने पड़ेंगे, सही। तो देखो एग्जाम्पल को ना बहुत गौर से समझना, मैं एक बात लिंक करूंगा इस पर। तो मैंने अभी अभी तक एग्जाम्पल भी कितनी बातें रखी है, मैंने देखो दो डिफरेंट तरीके से बातें की थी। पहली बात मैंने ये की कि मैं सप्लायर के पास गया, मैंने बोला मुझे सीमेंट दे दो, मुझे मुझे ब्लॉक दे दो, मुझे सरिया दे दो, मुझे सब सामान चाहिए। ठीक है, तो ये एक अलग बात थी, सही। फिर दूसरी ऑफर मुझे मेरे सप्लायर ने क्या दी है, सर आप रुकें, आप रुकें, आपके बिल्डिंग में आपको खुद तैयार करके दे देता हूँ, आपके बिल्डिंग में आपको खुद तैयार करके दे देता हूँ, सही है, ठीक है, समझ में आती है बात। अब जरा गौर करो, मैं बात को लिंक करने के लिए जा रहा हूँ। सर ये जो सीमेंट मैं खरीद रहा था, ये जो सीमेंट मैं खरीद रहा था, तो अब मुझे छोड़ो, अब चले जाओ सप्लायर के एंड पे, क्योंकि हम सेल की बात कर रहे हैं, तो सप्लायर यकीनन ये चीज़ें सप्लाई कर रहा होगा, सही। तो मैंने बोला यार ये जो सप्लायर है ना, ये जो मुझे अलग अलग चीज़ें बेच रहा है ना, ये जो मुझे अलग अलग चीज़ें बेच रहा है ना, ये इसके लिए एक अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। इसने मुझे सीमेंट बेचा, सीमेंट बेचना एक अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थी। इसने मुझे ईंटें बेची, ईंटें बेचना एक अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, सही। सर इसने मुझे जो ब्लॉक्स बेचे हैं, सर जो इसने मुझे पेंट बेचा है, सर ये सब एक अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, सही, ठीक है सर। बट सर वॉट इफ, जो आपने दूसरी वाली बात की थी कि यार आप रुको भाई, छोड़ दो, टेंशन मत लो, मैं खुद आपको बिल्डिंग तैयार करके दे दूंगा, मेरे सप्लायर ने मुझे ये कहा, सही, मेरे सप्लायर ने कहा कि सर मैं खुद आपको बिल्डिंग तैयार करके दे दूंगा। तो सर ऐसे केस में क्या होगा? देखो ऐसे केस के अंदर ना, अब जो मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक है। ऐसे ही क्या हो गया? अभी तो आप कह रहे थे यार सीमेंट बेचना अलग था, ब्लॉक देना अलग था, आपने कोई 15-20 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन गिनवा दी थी। हाँ सर ऐसा ही था, उस टाइम तक ऐसे ही था, उस टाइम में चीज़ें अलग अलग ले रहा था, तो वो अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थी। अब क्योंकि मैंने अपने सप्लायर को बोल दिया है कि भाई मुझे तुम बिल्डिंग तैयार करके दे दो, सही, मुझे बात तुम्हारी समझ में आ गई है, तो सप्लायर बोलेगा कि जो बिल्डिंग मैं आपको तैयार करके दे रहा हूँ ना, ये मेरे पास रेवेन्यू रिकॉग्निशन के अंदर, क्योंकि भाई सप्लायर बहुत बड़ा आदमी है, वो IFR सिस्टम यूज़ करता है, उसने बोला भाई IFR सिस्टम के हिसाब से ये मेरे पास एक एक अलग एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है,
ठीक है, तो सर कुछ आइडिया क्लियर हुआ, कुछ आइडिया क्लियर हुआ कि जो मैं अलग अलग चीजें दे रहा था ये अलग अलग परफॉर्मेंस एप्लीकेशन थी, लेकिन अब जब मैं क्लब करके पूरी बिल्डिंग बनवा रहा हूँ, पूरी बिल्डिंग बनवा रहा हूँ अपने सप्लायर से, तो अब सप्लायर मुझे सिर्फ एक काम करके दे रहा है, और वो एक काम क्या है, वो एक काम है बिल्डिंग बनाना। तो अब परफॉर्मेंस एप्लीकेशन के अंदर सर वो सारी बातें अलग अलग नहीं आएंगी, बल्कि अब परफॉर्मेंस एप्लीकेशन सिर्फ एक ही है, वो है वो बिल्डिंग को बेचना। सही, कुछ आइडिया क्लियर हुआ? कुछ आइडिया क्लियर हुआ? अच्छा, अब जरा आ जाओ बात के ऊपर। सर यहाँ पर परफॉर्मेंस एप्लीकेशन के अंदर लिखा हुआ था प्रॉमिस टू प्रोवाइड अ डिस्टिंक्ट गुड, कोई एक डिस्टिंक्ट गुड आप प्रोवाइड करो, या फिर एक सीरीज ऑफ गुड्स, एक सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स प्रोवाइड करो इन सिमिलर मैनर। सर देखो, ये जो एक डिस्टिंक्ट गुड था ना, इसकी एग्जाम्पल थी वो जो मैं अलग अलग सीमेंट खरीदता था, वो जो मैं अलग अलग सीमेंट और ब्लॉक खरीदता था, सर वो एक डिस्टिंक्ट गुड मैं अलग अलग ले रहा था, तो वो एक प्रॉमिस था मुझे, लेट से सर मुझे ब्लॉक बेचने का, और एक प्रॉमिस था मुझे सीमेंट बेचने का, तो वो अलग अलग डिस्टिंक्ट गुड था, जब भी वो अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थी। अब जरा दूसरे एंड पर आ जाओ, दूसरे वाले बॉक्स पे आ जाओ। देखो वो तो मैं दूसरी बात कर रहा था कि मैं पूरी बिल्डिंग बनवा रहा हूँ, तो अब देखो एक सीरीज ऑफ मुझे डिस्टिंक्ट गुड्स मिल रहे हैं। सर देखा जाए वो गुड्स तो सब डिस्टिंक्ट है, वो मुझे ब्लॉक भी अलग से नजर आ रहे हैं, वो मुझे सीमेंट भी अलग से नजर आ रहे हैं। सही है, तो वो भी डिस्टिंक्ट गुड, लेकिन देखो लिखा क्या है उसने लिखा है एक सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स हैं, यानी बहुत सारे डिस्टिंक्ट गुड्स हैं सप्लाई हो रहे हैं इन अ सिमिलर मैनर, एक एक जैसे तरीके के अंदर वो सप्लाई हो रहे हैं, एक सिमिलर मैनर के अंदर वो सप्लाई हो रहे हैं, तो वो तुम्हारे पास ना एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो जाएगी। ठीक है, तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मतलब क्या था सर, प्रॉमिस टू प्रोवाइड अ डिस्टिंक्ट गुड जिसकी एग्जाम्पल पहले वाली मैंने बात की, और अ सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड इसमें बहुत सारे डिस्टिंक्ट गुड आ जाएंगे, लेकिन सर वो सप्लाई हो रहे हैं एक सिमिलर मैनर के अंदर। ठीक है, तो अब सर जरा हमने थोड़ी सी बेसिक कवर कर ली है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के ऊपर, अब मैं थोड़ी सी बात करने जा रहा हूँ सर आपके पास जो है वो डिस्टिंक्ट गुड्स के ऊपर, कि जो डिस्टिंक्ट गुड है ये क्या होता है। सर जरा चलते हैं वन नोट की स्क्रीन पर, कुछ बातें पढ़ के आते हैं। सर किसी एक्सक्यूज मी सर, यस बोलो सर, हम करेंगे क्या मतलब यहाँ पे एक साथ ही जो है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, या फिर बाद में हमें कुछ नहीं होगा जरूरत के डिस्टिंक्ट गुड्स के केस में। वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा। तुम्हारा सवाल कुछ ऐसा ही है सर, ये जो आपने पहली बार एग्जांपल ली थी जहाँ हमें अलग अलग चीजें खरीद रहा था, उस टाइम हम रेवेन्यू किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, और जब मुझे सप्लायर पूरी बिल्डिंग बना के दे रहा है तब मैं रेवेन्यू किस तरह रिकॉर्ड करूंगा। वेरी गुड क्वेश्चन, अप्रिशिएट। अब जरा अब इसका आंसर सुन लो सर। देखो आंसर ना वही फाइव स्टेप के अंदर छुपा हुआ है, आंसर वही फाइव स्टेप के अंदर छुपा हुआ है। मैंने वहाँ पर फाइव स्टेप पढ़ाते हुए क्या कहा था कि सर जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी वैसे वैसे मैं रेवेन्यू बुक करूंगा। अब जब मैं अलग अलग लेने की बात कर रहा हूँ, तो सर मैंने अलग से सीमेंट खरीदा, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट, रेवेन्यू बुक पहली बार। मैंने ब्लॉक खरीदे, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट, रेवेन्यू रिकॉर्ड। सही, एक बात समझ में आती है। अब जरा दूसरी वाली बात पे आता हूँ जहाँ मैं पूरी बिल्डिंग बनवा रहा था अपने सप्लायर से। ठीक है, अब क्या होगा? देखो अब यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है सर, वो एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, वो एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ना मेरे पास यहाँ पर एक बिल्डिंग बनवाना है, एक बिल्डिंग बनवाना है। तो सर तुम लोगों के एंड पे अब तक ना सिर्फ बात तुम्हारे दिमाग में इतनी आनी चाहिए कि सर इसके हिसाब से जब मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मुकम्मल होगी तभी मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा, यानी जब मेरी वो बिल्डिंग तैयार हो जाएगी तभी मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो मैंने आखिरी स्टेप में लिखा था When/as the performance obligation satisfied, सही? इसका मैंने आपसे कहा था कि जब मैं आगे जाके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये इसके बारे में डिटेल दूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना समझो कि जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी हो जाएगी तब मैं रेवेन्यू बुक कर लूंगा। क्या तुम्हें क्लियर हो गया अरुण? जी सर हो गया है। सही सर, यस। अब जरा बात करते हैं डिस्टिंक्ट गुड्स के ऊपर। ठीक है सर, जरा बात स्टार्ट करते हैं। सर हमें बात करनी है वर्ड डिस्टिंक्ट के ऊपर। सर ये डिस्टिंक्ट क्या चीज है?
मैंने कहा ये केड़ा वर्ड है, ठीक है? अच्छा जरा समझते हैं। देखो डिस्टेंट का मतलब ना दो डिफरेंट बातें इसके अंदर, सही, दो डिफरेंट बातें। सर पहली बात क्या है? सर पहली बात देखो तुम्हारे वहाँ पर आती है कि डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट हो। देखो तुम अगर किसी गुड्स को डिस्टिंक्ट कहना चाहते हो ना, तो इसका मतलब है कि उसे डिस्टिंक्ट होना चाहिए इंडिविजुअली भी, इंडिविजुअली भी, और नेक्स्ट स्पेशल लिख रहा हूं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, कॉन्ट्रैक्ट भी। तो क्या मतलब? देखो वो जो मैं अभी एग्जांपल देते ना बिल्डिंग वाली, वो बिल्डिंग आप वो एग्जांपल सर यहाँ पर बेस्ट फिटेड है, ठीक है? बेस्ट फिटेड किस तरह से? देखो वो जो गुड्स है ना, वो जो गुड्स है जिसको तुम डिस्टिंक्ट कहना चाह रहे हो, वो सर इंडिविजुअली भी डिस्टिंक्ट हो। देखो इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट होने का मतलब क्या था? ये ब्लॉक अलग में एक सेपरेट डिस्टिंक्ट गुड है, सही? ब्लॉक अलग में, अलग से एक सेपरेट डिस्टिंक्ट गुड है। तो इसी तरह से आपके पास जो है ना, आपके पास जो है वो सीमेंट हो गया, वो भी एक अलग डिस्टिंक्ट गुड है, ठीक है? तो ये तो हमें बात समझ आ गई कि इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट हो, सही। अब दूसरी बात पर आ जाओ, दूसरी बात है सर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्टिंक्ट हो। सर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? देखो हम जो अभी बात कर रहे थे ना बिल्डिंग बनाने वाली, देखो बिल्डिंग बनाने वाली बात के ऊपर जब मैंने पूरा काम सप्लायर के हवाले कर दिया था, मैंने सप्लायर से कहा जाओ यार तुम ये बिल्डिंग बना दो मेरे लिए, तो सर ऐसे केस के अंदर जो है मेरे पास अभी भी सर सीमेंट ब्लॉक सरिए पेंट्स ये सब अलग अलग डिस्टिंक्ट गुड्स है, सही। लेकिन सर कॉन्ट्रैक्ट की नेचर कुछ ऐसी है कि अब ये तमाम बिल्डिंग बनाना मेरे लिए एक अलग डिस्टिंक्ट गुड बन जाएगा, सही। यानी सर ये तो मैंने बात लिखी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या है? सर जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है ना एक्चुअली, अब देखो मेरा अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट उससे जो है वो बिल्डिंग बनवा के देना है, सही। तो ये जो बात यहाँ पर हो रही है कि जो गुड्स की आप बात कर रहे हो जिनको डिस्टिंक्ट होना चाहिए वो इंडिविजुअली भी डिस्टिंक्ट हो, सही, और वो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्टिंक्ट हो, सही। यानी अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि भाई अब जो आप बिल्डिंग मुझे डायरेक्ट बना के दे रहे हो, अब ये बिल्डिंग बनाना एक डिस्टिंक्ट गुड हो गया। सर व्हाट इफ मैं उससे बोलूँ कि यार तुम्हें ना एक बिल्डिंग के साथ साथ मुझे वेयर हाउस भी बना कर दे दो, तो सर ये जो वेयर हाउस अब मुझे मेरा सप्लायर बना कर दे रहा है ना, फिर ये मेरे लिए एक अलग डिस्टिंक्ट गुड हो जाएगा, सही। एक डिस्टिंक्ट गुड बिल्डिंग बनवाना और एक डिस्टिंक्ट गुड मेरे लिए वेयर हाउस बनवाना, सही। तो हमने दो बातें करी सर, पहली बात ये जो वर्ड है डिस्टिंक्ट, ये इंडिविजुअली भी डिस्टिंक्ट हो, और ये सर हमारे पास इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्टिंक्ट हो। अब सर जरा बात करते हैं जरा डिटेल में, ये जो आपने वर्ड लिखा है इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट, इसका क्या मतलब है? देखो इससे भी ना बहुत सारी बातें निकलती है, जरा गौर करना। अच्छा मैंने कहा सर इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट का मतलब पता है क्या है? इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट का मतलब है कि तुम इस गुड से ना फायदा ले सको। सर लिख लो अपने पास यहाँ पर कि तुम इस गुड से इकोनॉमिक बेनिफिट ले सको, तुम इससे इकोनॉमिक बेनिफिट ले सको सर आइसोलेशन के अंदर, आइसोलेशन के अंदर, या सर कंजंक्शन विथ अदर गुड्स। सर मैं समझाता हूँ जरा अपने लिख के लिए, तो फिर मैं बात करता हूँ इसका मतलब क्या है जो आप कहना चाह रहे हैं। देखो मैंने बोला जो आप बात कर रहे हो ना कि गुड्स डिस्टिंक्ट होना चाहिए, सर वो गुड्स इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट होगा। कैसे कहते हो कि वो गुड्स इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट है? सर इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि तुम ना अलग से उससे फायदा ले सको। सर मैंने जो वर्ड लिखा है ना आइसोलेशन, इसका मतलब क्या है कि तुम अलग से अकेले तुम उस गुड से फायदा ले सको, सही, अकेले तुम उस गुड से फायदा ले सको। तो सर वो जो ब्लॉक था वो आइसोलेशन के अंदर भी एक हमारे लिए अलग डिस्टिंक्ट गुड है, सही। अच्छा तो दूसरी बात मैंने क्या लिखी? कंजंक्शन विद अदर गुड्स। देखो तुम उससे अकेले तो फायदा नहीं ले सकते,
हाँ लेकिन तुमने अगर उस गुड्स को किसी और गुड्स के साथ मिलाया, जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ सर उस सीमेंट की और उस ब्लॉक की, ऑफ कोर्स सर मैं ब्लॉक को अलग से ऐसे यूज़ नहीं कर सकता, हाँ लेकिन सर अगर मैं ब्लॉक के साथ सीमेंट भी खरीद लूँ तो ऑफ कोर्स सर मैं बिल्डिंग तैयार कर सकता हूँ। सही, तो मैंने क्या बोला सर, वो जो गुड्स है वो डिस्टिंक्ट हो, आइसोलेशन के अंदर भी, अकेले भी, या फिर इन कंजक्शन विद अदर गुड्स। सर वो अदर गुड्स जो हैं वो कौन से गुड्स हो सकते हैं? यहाँ पर तीसरा सर देखो तीन बातें निकलती हैं। मैंने कहा सर वो जो इन कंजंक्शन विद अदर गुड्स है इसका क्या मतलब है सर? देखो इसके अंदर तीन बातें, मतलब सर ये जो है ना, ये जो तुम्हारा ब्लॉक है, या तो ये अकेले तुम्हें फायदा पहुंचाए या फिर ये किसी और गुड्स के साथ मिलकर तुम्हें फायदा पहुंचाए। सही सर, वो जो कोई और गुड्स है वो क्या हो उसके बारे में देखो तीन बातें। पहली बात सर, वो जो कोई और गुड्स है वो या तो तुम्हारे पास ऑलरेडी मौजूद हो। मैंने कहा कि सर भाई ब्लॉक मेरे पास बहुत है, आप सिर्फ सीमेंट लेके आ गए। तो मैंने बोला सर ब्लॉक तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। मैंने पहली बात क्या लिखी सर, ऑलरेडी मेरे ऑलरेडी हेल्ड विथ सर, वो कस्टमर के पास ऑलरेडी मौजूद हो। पहली बात कस्टमर के पास ऑलरेडी मौजूद हो सर, या फिर वो अवेलेबल हो विद सेम सप्लाई सर, जिससे तुम वो ब्लॉक खरीद रहे हो ना उसी के पास से तुम्हें सीमेंट भी मिल जाए। ऐसे ऐसी अगर कहानी है, ऐसी अगर कहानी है तो भी वो तुम्हारे पास एक डिस्टिंक्ट गुड ही कहलाएगा। मैंने लिखा सर अवेलेबल विद सेम सप्लाई। अच्छा सर लास्ट में क्या आएगा सर? लास्ट में देखो मैंने लिखा अवेलेबल विथ थोड़ा सा पेन प्रॉब्लम कर रहा है। अवेलेबल विद डिफरेंट सप्लाई सर, अपने पास यहाँ पे लिख लो, ठीक है। अच्छा सर अभी तक हमने क्या बात की मैं जरा समराइज कर देता हूँ, क्योंकि बातें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, तो जरा इसको समेट लेते हैं। सर मैंने अब तक कुछ ऐसी बातें की हैं, मैंने कहा कि देखो जो हम बात कर रहे थे डिस्टिंक्ट की, उस डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है सर? डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि वो गुड्स इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट हो, अकेले तुम्हें फायदा दे सके। सही सर, इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट होने का मतलब क्या है कि तुम उससे इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर सको, या तो आइसोलेशन के अंदर, यानी अकेले, या फिर इन कंजंक्शन विद अदर गुड्स, यानी उस गुड्स को किसी और गुड्स के साथ मिलाकर तुम फायदा ले सको। सही, और वो जो दूसरा गुड्स है वो तुम्हें अवेलेबल हो, या तो तुम्हारे पास ही हो यानी कस्टमर के पास ही हो, या फिर जो जो तुम्हारा सप्लायर है उसी के पास ही तुम्हें अवेलेबल हो, या फिर तुम्हें किसी और सप्लायर के पास उस गुड्स को अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है? तब हम कह सकते हैं कि हाँ सर वो गुड्स हमें इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट है। सही, फिर हमने दूसरी बात की कि देखो इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट होना काफ़ी नहीं है, इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट होना काफ़ी नहीं है सर। देखा जाए तो दूसरे वाले एग्जाम्पल के अंदर, जो हमारी बिल्डिंग वाली एग्जाम्पल थी, वहाँ पर अभी भी जो मेरे ब्लॉक्स थे वो इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट थे। सही, लेकिन सर जब तुम बात करो ना इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सर कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ना अब वो इंडिविजुअली, अब वो डिस्टिंक्ट नहीं रहे। क्यों डिस्टिंक्ट नहीं रहे? क्योंकि सर अब मेरे लिए पूरी बिल्डिंग तैयार कर देना एक अलग डिस्टिंक्ट गुड कंसिडर किया जाएगा। सही, मेरे लिए पूरी बिल्डिंग तैयार कर देना एक अलग जो है वो डिस्टिंक्ट गुड, एक अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मेरे लिए कंसिडर की जाएगी। सही, तो कुछ आइडिया क्लियर होता है सर? कुछ आइडिया क्लियर होता है रिगार्डिंग डिस्टिंक्ट गुड? क्योंकि मैंने कहा सर ये डिस्टिंक्ट गुड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टेढ़ा है, तो हमने इसको अच्छी तरह सीख लिया है। अगर किसी को कोई भी सवाल इसके अंदर तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है सर? क्लियर है यहाँ तक बात? यस सर, यस।
सर जरा बात को कॉन्क्लूड करते हैं। कॉन्क्लूजन सर सिर्फ इतना सा है कि हम जो बात कर रहे थे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के ऊपर, तो हमारे लिए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से इतनी से रह गई है कि इसका मतलब ये एक प्रॉमिस है जिसके जरिए हम प्रोवाइड कर सकें या तो एक अलग से डिस्टेंट गुड। सर अब अलग से डिस्टेंट गुड क्या होता है, मेरे ख्याल से अब तुम लोग को जो है ना बात याद रहेगी इंशाल्लाह। अलग से डिस्टेंट होने का मतलब क्या, मैं तरह से समझा करा दूँ, या फिर सर एक सीरीज ऑफ डिस्टेंट गुड्स जो कि सप्लाई हों इन अ सिमिलर मैनर। ठीक है, इस बात को सर आगे जाके हम दोबारा सीखेंगे जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है सर, तो हम अपने कॉन्सेप्ट को सर यहाँ तक रोकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को यहाँ तक रोकते हैं। सर यहाँ पर आके हमने 5-step प्रोसेस कवर किया, हमने एक बेसिक एग्जाम्पल कवर करी, हमने कॉन्ट्रैक्ट और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के मतलब को समझा, सही, और हमने एक छोटी सी एग्जाम्पल भी कवर करी। सर एक मासूम सा क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए मैंने बनाया, उसे आप लोगों ने सॉल्व करना है। मैं आपको हैंडआउट पे दिखा देता हूँ, वो क्वेश्चन सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। जैसे हमने आज एग्जाम्पल कवर करी है, एग्जैक्टली उसी एग्जाम्पल को समझ लो, मैंने ना सिर्फ उसकी वैल्यू चेंज कर दी है, तो ये तुम लोगों ने कवर करना है। तो ज़रा देख लो, ये आपका सेंड आउट आ गया है रेवेन्यू का। सर ये एक क्वेश्चन सिर्फ मैंने अभी इसके अंदर डाला है। इसका एक काम करो सर, इसका एक काम करो, आपके पास स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, इसका स्क्रीन शॉट ले लो और ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो। सर क्वेश्चन मैं एक दफ़ा रीड कर रहा हूँ, अटैम्प्ट आप लोगों ने करना। क्या कह रहा है सर, बोल रहा है जुल्फिकार लिमिटेड ने सोल्ड किया एक व्हीकल एक कस्टमर को, सही, उसकी फेयर वैल्यू कितनी है सर, फेयर वैल्यू 5 लाख है, सही। ठीक है, अच्छा आगे क्या कह रहा है सर, सर ये बाइक की जगह व्हीकल कर देना। ठीक है, आगे द व्हीकल वॉज सोल्ड अलॉन्ग विथ 3 ट्यूनिंग सर्विसेज विच जनरली हैज अ फेयर वैल्यू ऑफ 40,000 रुपीज। सर हमने बोला कि भाई एक गाड़ी है 5 लाख की गाड़ी है, सही, और साथ में जो है ना उस आप 3 साल की ना ट्यूनिंग सर्विस भी प्रोवाइड करते हो, सही। हम गाड़ी के साथ हम बोलते हैं अपन गाड़ी अकेले नहीं बेचते बल्कि 3 साल की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, उस सर्विस की फेयर वैल्यू 40,000 है, सही। कॉस्ट ऑफ व्हीकल कितनी सर, 390,000 है, सही, और जो ट्यूनिंग सर्विस है उसकी कॉस्ट क्या है, 28,000। देखो फेयर वैल्यू 40,000 थी, कॉस्ट 28,000 है। द कंपनी चार्ज लम सम अमाउंट ऑफ 570.4। सर कंपनी ने लम सम अमाउंट कितना चार्ज किया है 570.4, सही। फिर आगे लिखता है द कैश वॉज कलेक्टेड एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड अकॉर्डिंगली द व्हीकल वॉज फिजिकली ट्रांसफर्ड टू द कस्टमर कंट्रोल, द ट्यूनिंग सर्विस हाउ एवर विल बी सरेंडर्ड एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। ठीक, हमने बोला सर हमने गाड़ी, इन शॉर्ट हमने गाड़ी प्रोवाइड कर दी है, हाँ ट्यूनिंग सर्विस था, हम थोड़े टाइम बाद प्रोवाइड करेंगे, हम थोड़ी देर टाइम बाद प्रोवाइड करेंगे। अच्छा सर इसके अंदर ना एक काम ये करना मैं इसको ज़रा अमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने इसमें डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया नहीं है, तो अभी आप लोग इसको ऐसा करो कि सर इस लम सम अमाउंट का ना 620 कर लो। ठीक है, इस लम सम अमाउंट को 620 कर लो, सही, और ये क्वेश्चन आप लोगों ने अटेंड करना है, इसको दोबारा पेशर ले लो। 620 मैंने लम सम अमाउंट कर दिया ताकि कोई डिस्काउंट का इम्पैक्ट ना आए, सही। तो सर इसे आपने अटेंड करना है, आज की क्लास को निपटा रखते हैं, बाकी बात इंशाल्लाह हम करेंगे अपने अगली क्लास में। अगली क्लास में जाकर सर हम कुछ ट्रांजेक्शन प्राइसों पर बातें कर रहे होंगे और इंशाल्लाह फिर हम बात करें कुछ स्पेशल जो उसके ट्रीटमेंट है ना वहाँ पर चले जाएंगे। तो देखो आई फास्ट के अंदर ना बेसिक एरिया तो कवर हम कर ही लेंगे, इसके बाद जो असल चीज़ें आती है ना सर इसके अंदर ना छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जिसका एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सर इसके ऊपर ना क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हम पहले बेसिक कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो है ना ट्रांजेक्शन प्राइस से बात करते हुए हम अपने स्पेशल जो केसेज हैं वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो सर आज के लिए इसको इतना रखते हैं, आप लोग जो है जो भी आपका फीडबैक है क्लास के हवाले से वो मुझे टेक्स्ट कर दिएगा, क्या लगता है सर जो बेहतर लगा या कोई इससे प्रॉब्लम लगी तो आप वो शेयर कर सकते हो। ठीक है, बाकी बात हम इंशाल्लाह करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सर।